सो गाइस आज का जमाना ऐसा हो चुका है कि YouTube में बहुत सारे बंदे लोग आ रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, YouTube में वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन गाइस कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि YouTube के बारे में जानते तक नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, आप लोग का स्वागत है हमारी चैनल रेसो आई टी में। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग को मतलब ऐसा बताने वाला हूँ, यूट्यूब के बारे में ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि गाइस सारे के सारे जितने भी लोग यूट्यूबर हैं और जितने लोग यूट्यूबर नहीं है जो यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं उन लोग के लिए भी ये जानना जरूरी है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बता देता हूँ, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, मैं आप लोग को मोटिवेट करता हूँ। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube को बनाया कब गया था और किसने बनाया था। तो गाइस मैं बात करूँ उस टाइम की जो कि 2004 में, मतलब कि 2004 गाइस वहाँ पे, मतलब कि उस टाइम पे क्या था कि टेलीविज़न का ज़माना चल रहा था, और टेलीविज़न मतलब कि वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी चल रहा था, तो टेलीविज़न का ज़माना था। और ये जो तीनों दोस्त थे, उन तीनों दोस्तों का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले स्टीव चैन, दूसरा है चार्ड हरले और तीसरा है जावेद करीम। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर ये सोचा था कि क्यों ना हम लोग ये जो टेलीविज़न में होता है वो सबके फ़ोन में मतलब कि एज ए एक एप्लीकेशन बना के कुछ कर दे। तो गाइस उन तीनों ने मिलकर YouTube एप्लीकेशन को 14 फरवरी 2005 में YouTube एप्लीकेशन को लॉन्च किया था दोनों ने, मतलब इन तीनों ने मिलकर YouTube एप्लीकेशन को बनाया था, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो जावेद करीम है, उन्होंने क्या किया, मी एट द जू करके YouTube का सबसे पहला वीडियो टेस्टिंग के लिए अपलोड किया था, और वो YouTube का सबसे पहला वीडियो था। और वो उसके ऊपर गाइस आज जाके देखोगे तो 115 मिलियन व्यूज़ है और उस चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। नो डीपी मतलब कि नो लोगो नो बैनर, और वो एक ही वीडियो उस चैनल पे अपलोड है। और गाइज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे गाइज सच बताऊँ आप बोलोगे सब्सक्राइबर कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करता है भाई कुछ भी। गाइज वो जो बंदा है उसने क्या किया, जावेद करीम आप जाके देखोगे, जावेद को सर्च करोगे यूट्यूब पे जाके, उनका चैनल मिल जाएगा। उनके चैनल पे एक वीडियो अपलोड है जो कि YouTube का सबसे पहला वीडियो है मी एट द जू करके, और वो चैनल पे आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, फिर भी वो चैनल उनके पास नहीं है। क्या बात है ये, है ना, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी। तो गाइस ये ऐसा कैसे, और उसके ऊपर दूसरी वीडियो उन्होंने अपलोड क्यों नहीं करी, मैं आप लोगों को सारा कुछ बता देता हूँ। देखो गाइस उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम पे YouTube को टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहला वीडियो YouTube में अपलोड किया, लेकिन उन्होंने मतलब उनको ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि सारा कुछ आगे जाके इतना मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, ये हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। लेकिन गाइज उसके बाद उन्होंने मस्ती में मतलब पता नहीं उन्होंने उस वीडियो को अपलोड किया, उसके बाद उनका वो चैनल कहाँ चला गया उनको खुद को नहीं पता, है ना, जादू है ना ये। तो गाइज उसके बाद 2-3 साल के बाद YouTube को खरीद लिया गूगल ने, और गूगल ने यूट्यूब को ख़रीद लिया, और आज हमारा वर्ल्ड का यूट्यूब जो है गूगल के अलावा दूसरे नंबर पे सर्च इंजन, मतलब कि सर्च इंजन में दूसरा नंबर है हमारा यूट्यूब का। तो गाइज मैं आप लोग को बस ये बात बताना चाहता था कि अगर आप लोग यूट्यूबर है यूट्यूबर नहीं है तो यार आप लोग के लिए छोटी छोटी बातें भी जानना जरूरी होती है। मतलब कि जैसे कि मैं देखा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मतलब वो भी यूट्यूबर है, उसके भी तकरीबन 5,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन गाइज मैंने उसको पूछा कि YouTube को किसने बनाया, उसको ये तक नहीं पता था। तो मैंने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा कि शायद उसको नहीं पता है, तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है जिसको ये नहीं पता होगा। सो आई होप गाइज मतलब थोड़ा सा आप लोग को इस वीडियो से सीखने मिला होगा, और सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।